ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाए वैसे वाले सॉफ्ट जालीदार अप्पम और टेंगी टमेटो और पीनट की चटनी आज मेरे किचन में बनी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई है तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। इंस्टेंट मसाला अप्पम बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कटोरी रवा ले रही हूँ। इसको हम मिक्सर जार में ऐड कर देंगे और इसके लिए कोई भी रवा आप ले सकते हैं, वो बारीक वाला, मोटा वाला, कोई भी। और इसमें मैं ऐड करूँगी ये 1 टेबलस्पून बेसन लिया है, ये जाएगा। इनफैक्ट बेसन ना हो तो आप लेफ्ट ओवर राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। अब मैं पहले इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देती हूँ, फिर ज़रूरत होगी तो और बाद में ऐड करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे 1/2 कप दही। ये हल्का सा खट्टा होगा ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। और अब हम ढक्कन लगा के ये सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं। अभी मुझे ये बैटर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है और अच्छे से पीस भी नहीं रहा है, तो मैं 1/2 कप जितना पानी और ऐड करूँगी। अब मैं ये बैटर में ये 1 टीस्पून जितनी शक्कर ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है पर अप्पम में शक्कर बहुत ही अच्छी लगती है। और एक बार फिर घुमा लेंगे। अब ये देखिए, ये बैटर मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अभी भी ये बैटर अच्छा खासा थिक है तो मैं 1/4 कप जितना पानी ये मिक्सर जार में ही ऐड कर देती हूँ और फिर हम ये पानी को ऐड कर देंगे बैटर में। अब ये देखिए, ये बैटर तो रेडी है। ये बैटर डोसा बैटर से थोड़ा सा पतला होना चाहिए और ये ऐसे जैसे पोरिंग कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल वैसा होना चाहिए तो ही आपके अप्पम अच्छे निकलेंगे, वरना बहुत मोटे मोटे से बनेंगे। अब ये बैटर तो रेडी हो चुका है, इसको मैं थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ और अब हम बनाते हैं एक मज़ेदार सी टमेटो और पीनट की चटनी। टमेटो एंड पीनट चटनी बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे, ये चटनी में ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है। इनफैक्ट ये जो पूरी की पूरी रेसिपी है ना, अप्पम और चटनी दोनों भी, इसमें बहुत ही कम ऑयल जाता है, इसीलिए ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और अब मैं ऑयल में ऐड कर देती हूँ ये 3 कली लहसुन की ली है और छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, ये हम ऐड कर देंगे। जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा गुलाबी कलर का हो जाए वैसे ही टमेटोज ऐड कर देंगे। ये 4 टमेटोज है जो बारीक काट के लिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिर्ची पाउडर, तीखापन आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। और ऐड कर देंगे नमक। और अब सारी चीज़ों को मिक्स करके हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये चटनी बहुत ही क्विक बन जाती है, बस 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगी। अब जब तक कि चटनी पकती है तब तक ये बैटर में मैं कुछ सब्जियां ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो प्लेन भी बना सकते हो। मैं पहले ऐड करती हूँ बारीक चॉप किया हुआ धनिया, मीडियम साइज का अब चॉप किया हुआ प्याज और कुछ हरी मिर्च। आपको अगर जीरा अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने सारी सब्जियां तो बैटर में मिला ली है, उसके साथ साथ मैंने ये तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि अप्पम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा गरम तवा चाहिए। और अब लास्ट में ये बैटर में मैं ऐड कर देती हूँ ये 1 पाउच फ्रूट सॉल्ट। फ्रूट सॉल्ट वही होता है जिसको हम इनो कहते हैं ना, और मिक्स कर देंगे। फ्रूट सॉल्ट डालते ही ये जो अप्पम का बैटर है ना, वो एकदम ही ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा। अप्पम के बैटर में फ्रूट सॉल्ट आप तभी ऐड करिएगा जब आप एकदम ही बनाने के लिए रेडी हो। पहले से डाल के फिर आधे घंटे बाद बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो अप्पम की जो जाली होती है ना, वो कभी नहीं मिलेगी आपको। अब ये गर्म पैन में मैं थोड़ा सा ही तेल ऐड कर देती हूँ और ये तेल को हम पहले फैला लेंगे। और अब एक टिश्यू की मदद से मैं ये तेल को थोड़ा सा फैलाते हुए पोंछ भी लूँगी, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा तेल नहीं चाहिए अप्पम के लिए। और अभी आपको जितनी साइज़ का अप्पम चाहिए उस हिसाब से आप बैटर लेंगे। मैं आज ये 1 लेडल फुल बैटर लेके मीडियम साइज़ के अप्पम बना रही हूँ, तो ये लेके तुरंत ही हम गरम पैन में डाल देंगे।
और अब ये अपम को पकने के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट में ही आप देखेंगे ना तो ढेर सारे बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और जाली बनना शुरू हो जाएगा। और ये अपम एक ही साइड से पकता है, इसीलिए एकदम पेशेंट से पकाएंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। एक बार टमेटोज का हाल देख लेते हैं। ये देखिए टमेटोज तो पक चुके हैं। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितनी शक्कर। और अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप ये रोस्टेड एंड कुटी हुई पीनट्स है, वो डाल देंगे। और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और बस ये चटनी तो रेडी है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। और अब हम अपम चेक कर लेते हैं। अपम जो होता है वो एक ही तरफ से पकता है, इसीलिए उसको आराम से मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिएगा। 5 से 7 मिनट लगेंगे पर बहुत ही अच्छा सॉफ्ट अपम तैयार होगा। और जब ऊपर से वो पक जाएगा ना तो एकदम मैट बन जाएगा, मतलब कि एकदम ड्राई ड्राई सा लगने लगेगा। दैट मीन्स कि अपम बन गया है और नीचे एकदम अच्छा गोल्डन कलर आएगा। ये आप देखिए ऊपर से एकदम ड्राई हो गया है अभी, और मैं एक बार नीचे से दिखा देती हूँ। ये नीचे से बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। बस यही टाइम पे हम कहेंगे कि अपम रेडी है। मैं इसको निकाल देती हूँ एक प्लेट में। तो तैयार है गर्मा गर्म सुपर सॉफ्ट जालीदार मसाला अपम। ये हम रख देते हैं सर्विंग प्लेट पे, और साथ में ये अमेजिंग सी टैंगी सी टमेटो एंड पीनट की चटनी भी हम सर्व कर देते हैं। एक्चुअली ये जो टेंगी टमेटो एंड पीनट की चटनी है ये सिर्फ अपम के साथ नहीं, ये डोसा इडली अप्पे पराठे इवन सैंडविच में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही वर्सिटाइल चटनी है। तो लीजिए तैयार है इंस्टेंट से बनने वाले गर्मा गर्म जालीदार अपम, जिसको हमने सर्व किया है टेंगी टमेटो एंड पीनट चटनी के साथ। अगर ये डिश आपने ट्राई नहीं की ना तो आपसे मैं कट्टी कर दूंगी। मस्ट ट्राई, अमेजिंग।